जिससे पहले हमने क्या किया, लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे तो यूजर नेम पासवर्ड डालना रहेगा, जैसे हमने यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन किया था तो लॉगिन हो जाएगा। टीएप इंटरडे मैंने क्लिक किया हुआ, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है हमें कि जो डेटा है वो 10 दिन का डेटा हमने कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो यही पेज पे थोड़ा सा नीचे जाओगे हम, तो ये सब लिंक दिया हुआ है करेंसी के लिए, इक्विटी कैश कम्युनिटी सबके लिए डेटा है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको इक्विटी कैश पे क्लिक करने के लिए बोला तो ये आ जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे कि एलएनडी पे करना है तो एलएनडी ले लेंगे, इक्विटी कैश जो स्क्रिप्ट चाहिए वो स्क्रिप्ट सिलेक्ट करना है सिर्फ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो 10 डेज का डेटा हमें चाहिए वो लेना है। गेट डेटा किया मैंने, जैसे ही यहाँ पे गेट डेटा करोगे यहाँ पे डाउनलोड करना है। ये डाउनलोड करने का प्रोसेसर हम स्टार्ट कर देंगे तो अपने पास ये सिंबल आ जाएंगे जो ऑलरेडी हमने डाउनलोड किया है अभी। और अभी हमें क्या देखना है कि सपोज दैट ये ऑलरेडी हो चुका है लेकिन हम देखते हैं कि 29 को बैठ के पीछे 10 दिन का डेटा लेना है, और 29 से पीछे 10 दिन का डेटा लेंगे और 30 तारीख को एग्जैक्टली मार्केट में क्या ट्रेड हुआ है, किस हिसाब से हुआ वो देख लेंगे पहले, ठीक है। इंट्राडे में ठीक है दिख रहा है आपको, हाँ। तो यहाँ पे अभी ये सिर्फ 10 दिन का डेटा हमने 29 से पीछे कॉपी करना है, जो हमने कॉपी करके यहाँ पे ये कंट्रोल सी किया, और ये जो टूल था अपना ये टूल पे आके सिर्फ यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट हो गया। सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप क्या था हमारा कि एक बार जो हमने 10 दिन का डेटा लिया हुआ है, ये जो 10 डेज का डेटा ले लिया, सेकेंड स्टेप है कि रिप्लेस 10th वैल्यू बाय स्विंग हाई या तो स्विंग लो। ये भी ये स्विंग हाई या तो स्विंग लो से रिप्लेस कैसे करना है, क्या करना है वो देखेंगे। ये स्विंग हाई स्विंग लो से अगर हमें रिप्लेस करना है तो पहले हमें चार्ट पे जाना पड़ेगा, देखना है कि मार्केट में क्या हो रहा है। जैसे सपोज अभी आप बैठे हो यहाँ पे, तो इस हिसाब से आप यहाँ पे हो, ठीक है। 29 तारीख को शाम को आप यहाँ पे बैठे हैं और देख रहे हैं कि अभी 30 तारीख को एग्जैक्टली मार्केट कहाँ पे जाने वाला है, वो हमें ट्रेड निकालना है, वो किस हिसाब से हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 29 से पीछे 10 दिन का डाटा लिया, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप क्या था कि अभी हमें देखना है कि वहाँ पे रिप्लेस 10th वैल्यू जो अभी 10 सितंबर पे जो क्लोजिंग आया हुआ है उसको रिप्लेस करना है या तो हाई से या तो लो से। अभी सवाल आएगा कि हाई से कब करना है और लो से कब करना है, ठीक है। पहले वो क्लियर कर लेते कि हाई से हमें कब करना है और लो से कब करना है। देखो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है कि स्विंग हाई कब करना है, कब करेंगे, इफ वी आर इन सेल। वी आर मतलब मार्केट अगर सेल में रहेगा तो स्विंग हाई यूज करना है, और मार्केट अगर बाय में रहेगा तो स्विंग लो यूज करना है। अभी आपको एक समझ में आ रहा है कि मार्केट हाई में रहेगा तो स्विंग हाई करेंगे, लो डाउन में रहेगा बाय में रहेगा तो हम स्विंग लो ले लेंगे। लेकिन अब ये पता कैसे चलेगा कि मार्केट हाई में है कि मार्केट बाय में कि मार्केट सेल में है, ठीक है। इसके लिए बहुत सिंपल सी चीज करनी है कि जो हमने 10 दिन का डेटा लिया हुआ ना यहाँ पे, इनका दोनों का कंपेरिजन कर दोगे सिर्फ। 9 और 10 का कंपेरिजन करना, कैसे करना है 9 और 10 का कंपेरिजन, यहाँ पे देखना है कि ये कितना प्राइस है, ये प्राइस क्या है, ठीक है। और ये प्रीवियस वाला इसके नीचे के ऊपर है मार्केट 10 नंबर पे, नीचे मार्केट नीचे गया। मतलब अभी अभी के लिए इतना सोचना है कि थर्सडे को शाम को भी मार्केट 2.5 पॉइंट 10 पॉइंट जो भी है लेकिन प्रीवियस क्लोजिंग से आज नीचे आया हुआ है, मतलब मार्केट डाउन में है। अगर मार्केट डाउन में है तो हम क्या यूज करते हैं, स्विंग हाई या स्विंग लो, कौन सा करते हैं, स्विंग हाई करते, सही है। सेम चीज सपोज अगर मार्केट में यहाँ पे अगर ये 10 नंबर का क्लोजिंग अगर ऊपर आ गया है 9 नंबर से तो क्या करोगे, स्विंग क्लियर ए पॉइंट, मतलब हमें स्विंग हाई कब करना है और स्विंग लो कब करना है, ये समझ में आ गया। कि अभी इतना देखना है कि अगर मार्केट बाय में रहेगा तो स्विंग लो लेना है। बाय में कब रहेगा, अगर 10 नंबर की क्लोजिंग ऊपर है 9 नंबर से मतलब मार्केट बाय में, मतलब हमें स्विंग लो लेना है, क्लियर है यहां तक। सेकेंड स्टेप, स्विंग हाई कब लेंगे, अगर मार्केट सेल में, सेल में कब रहता है मार्केट, अगर क्लोजिंग नीचे है प्रीवियस 9 नंबर से तो समझ लेना मार्केट सेल में है और हमें स्विंग हाई 10 नंबर पे डालना है, क्लियर ये पॉइंट। हाई और लो में कोई कंफ्यूजन नहीं अभी। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा कि ये हाई और लो ढूंढना कैसे मार्केट में से पता कैसे करना है। जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं, हमें स्विंग हाई मतलब नॉर्मल सा जो हमने देखा होता है कभी कभी ऐसा लगता है ये यूज करूँ क्या, ये यूज करके, ये कुछ नहीं करना है हमें। हमें सिंपल सी चीज दिमाग में रखना है कि हमें स्विंग हाई या तो स्विंग लो जो लेना है वो डेली हाई या तो डेली लो रहेगा, पहली बात। तो मतलब क्या है, अगर मान के यहाँ पे गया है और 29 तारीख का हाई ये वाला है तो ये बीच में से कोई भी हाई हमें यूज करने ही नहीं है,
या तो हम ये करेंगे, लेकिन ये भी करना इसी की जरूरत नहीं, मे बी ये दिन का हाई हो सकता है, मे बी पिछले दिन का हाई हो सकता है, तो पिछले दिन का हो सकता है, डिपेंड ऑन मार्केट का मूवमेंट कैसे हो रहा है उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा स्विंग हाई लेना है या तो स्विंग लो लेना है। समझ में आ रहा है? मतलब ऐसी कोई जरूरत नहीं कि जैसे थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया तो आपने ये स्विंग हाई ले लिया, या तो ये ऊपर गया तो यहाँ पे ले लिया, ऐसा नहीं करना है। हाँ, डेली हाई या तो डेली लो ही रहेगा, लेकिन डिपेंड करेगा कि ये तो 29 का रहेगा कि 28 का रहेगा या तो 27 का रहेगा, और पिछला कुछ रहने वाला क्या होने वाला वो हम डिसाइड करेंगे, उसका मैं कंडीशन आपको अभी बता दूंगा। सही, समझ में आ रहा है? मतलब स्विंग हाई स्विंग लो कौन सा लेना, हाई लेना है कि लो लेना है, 9 और 10 का कंपैरिजन करके वो पता चल जाएगा। सेकेंड स्टेप क्या है कि एग्जैक्टली कौन से दिन का लेना है, आज का हाई लू कल का लू कि परसों, एग्जैक्टली कितना पीछे जाना है, क्या जाना है, वो देखना है हमें। इसके लिए बहुत सिंपल सी चीज़ है कि मार्केट सिर्फ देखो, चलो ठीक है, थोड़ा अगर समझना है इसका मैं डेली चार्ट ओपन कर देता हूँ आपको समझने के लिए। और कुछ नहीं करेंगे हम, देखेंगे कि अभी देखो ये सिर्फ कंपैरिजन करते जाना है, ये रोज नीचे है, यहाँ पे भी नीचे है और यहाँ पे भी नीचे है, ये कलर कैंडल का कलर हमें मैटर नहीं कर रहा है, हमें सिर्फ ये देखना है कि जिस दिन क्लोजिंग रिवर्स हुआ है ना वहां से वो जो स्विंग रहेगा वो लेना है। से एग्जांपल अभी यहाँ पे क्लोजिंग ऊपर है ठीक है, और यहाँ पे पहली बार मार्केट ने क्लोजिंग नीचे दिया, तो ये दोनों में से जो भी ऊपर का पॉइंट रहेगा या तो इसका हाई रहेगा सबसे ऊपर या तो इसका हाई रहेगा, दोनों में से कोई तो भी एक दिन रहेगा, कोई मैटर नहीं कर रहा कलर क्या है, रेड का लेना है कि ग्रीन का लेना है, ये मतलब नहीं है, जिसका ऊपर है वो ले लेंगे। मतलब ये है देखो यहाँ पे इसका कितना है, ये हाई राइट साइड में देखो, ये ओपन हाई लो क्लोज करके लिख के आ रहा है, ठीक है, कितना हाई है यहाँ पे 1379.95। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है आपको कि हमेशा आपको डेली चार्ट ही देखना है, आप ये 15 मिनट आधे घंटे में देखेंगे तो भी हाई वही दिखने को मिलने वाला है। सपोज अगर अभी यही चीज मैं आपको 15 मिनट्स में लेके जाता हूँ और आप देख लेना, ठीक है, अभी देखो यहाँ पे इसको और मैं थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दूँ, अभी हम हिकानेश पैटर्न देख रहे हैं, कैंडलस्टिक नहीं यूज कर, हिकानेश यूज कर, इससे इजी होता है मार्केट का स्विंग पकड़ने के लिए। जैसे हम यहाँ पे बैठे देखो, जो हमने डिले में देखा क्या है हाई वही है, तो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या कि जब आप यहाँ पे बैठे हो, सपोज ये आपके सामने नहीं है, आप जब 29 को रहेंगे तो आपको ये 30 तारीख का मार्केट में से कुछ भी दिखने वाला नहीं है, आप 29 को ही देखेंगे रात को शाम को बैठ के, तो आपको ये देखना कि भाई मार्केट गिरा कहाँ से है, मार्केट ने नीचे नीचे आना कहाँ पे स्टार्ट किया वो देखना। जैसे हमने मार्केट के मूवमेंट में देखा होगा, देखो जब हम सेमिनार में भी गए होंगे या तो ट्रेनिंग में भी मैं आपको दिखा रहा हूँ सपोज दैट कि क्या होता है मार्केट का मूवमेंट, मार्केट का मूवमेंट कैसे होता है कि मार्केट जिगजैग ऊपर नीचे चलता है, ठीक है, तो ये जो बीच बीच में थोड़ा सा ऊपर तो जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा डाउनफॉल आएगा तो अलग बात है, लेकिन अगर ऐसा है तो आपको स्विंग हाई जहां से मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया हुआ है वो पॉइंट मुझे 10 नंबर पे डालना। अगर इन शॉर्ट अगर कोई बोलेंगे हाई लो में अटकना ही नहीं है, एक ही समझना है कि अगर मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा था तो मार्केट नीचे आना कहां से स्टार्ट किया वो पॉइंट मुझे 10 नंबर पे डालने बात करनी। समझ में आ गया है? सेम चीज अगर हम यहाँ पे बैठे हैं, सपोज यार यहाँ पे कहीं बैठे हैं, ठीक है, तो आप देखो कि सपोज यार आप 26 को यहाँ पे बैठे हैं, 26 से पीछे 10 दिन का डाटा लिया है और आपको 27 के लिए ट्रेड निकालना है सपोज यार, तो अभी आप बताओ कि मार्केट में स्विंग हाई यूज करोगे कि लो यूज करोगे। सपोज आज 26 को बैठे हैं, अभी आपको देखना है कि 26 तारीख को बैठे हैं और आपको देखना है मार्केट में कि 27 का ट्रेड निकालना है, तो आप वो 26 से पीछे 10 दिन का डाटा ले लोगे, क्लियर है? अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है कि स्विंग हाई डालेंगे स्विंग लो डालेंगे, अभी बताओ क्या डालोगे, स्विंग हाई या स्विंग लो? स्विंग लो, क्यों? क्योंकि मार्केट ने 25 तारीख की ज्यादा जो भी लास्ट 23 से 26 को क्लोजिंग ऊपर आ गया है, मतलब 10 नंबर का क्लोजिंग ऊपर है, इसका मतलब है स्विंग लो लेना है। अभी लो लेना है, अभी वो लो कौन सा रहेगा कि 26 तारीख का लो लेना है कि 23 का लो लेना है कि 22 का लेना है, ये डिसाइड करना है। वो कैसे करेंगे, ये सबसे नीचे जो रहेगा वो ले लेंगे, बात खत्म, क्लियर सबको ये पॉइंट, ठीक है? यही चीज सपोज आप यहाँ पे आके बैठे हो, सपोज और थोड़े से हम बात करते हैं, एग्जांपल आप 21 तारीख को बैठे हो, क्या करोगे? पहले तो हाई लेना है कि लो लेना है? हाई लेना, क्लियर है? क्लोजिंग नीचे आया तो हाई लेना है, लेकिन ये दिन का लेना है, इसका लेना है कि इसका लेना है कि इसका लेना है, ये देखना है। तो जहां से मार्केट गिरना स्टार्ट किया वो ले लो, बात खत्म कर देंगे। 10 दिन में से नहीं पकड़ना है कि आपको देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि 10 दिन से ज्यादा भी हो सकता है। हाँ, 10 दिन के क्या, कभी 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 कम भी हो सकता है, कभी ज्यादा भी हो सकता है। अगर सपोज ऐसा सोचो कि ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा सोचो कि रोज 15 दिन से मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर 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 ही क्लोज कर रहा है, हो सकता है, अज्यूम करो, ठीक है? अगर ऐसा सिचुएशन आया तो जो भी पिछला है वो पॉइंट ले लेंगे, ओके? लेकिन इसके बीच में पुल बैक भी आने वाला है,
डिसाइसिव पुल बैक अगर आके वापस मार्केट ऊपर जा रहा है, और अगर वो डेली लो है, डे का हाई है तो डे का लो ही उठाना है, बीच में सो जो दो बार जब बनाया है समथिंग उसको नहीं लेना है कभी भी, ठीक है। मतलब आपका स्विंग आया तो स्विंग लो, मे भी हमेशा डेली हाई है तो डेली लो ही रहेगा, सिर्फ वो आज का कल का परसों का कोई तो भी चेंज रहेगा, इतना ही रहेगा। बोलो किस एस बैंक? हाँ चलो एक मिनट, एक मिनट वही ना हम देख लेते हैं अभी, एस बैंक का निकाल लेते हैं, ओके यहाँ पे ऐड करके देख लेते हैं, पहले उसका देखते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा लगता है कि सर वो तो दो महीने से नीचे ही आ रहा था, फिर दो महीने का पहले का लेना है क्या? ओके तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बीच में मार्केट कहीं ना कहीं घूमने वाला है। ये होगा, अभी हमें क्या लगता है कि भाई ये एस बैंक पूरा डाउन ट्रेंड में है, तो ऐसा लगता है कि नीचे नीचे ही जा रहा है, ऐसा नहीं, बीच में वो आता है ऊपर, जैसे हम यहाँ पे इसको देखेंगे। देखो अभी आप बताओ, आप यहाँ पे बैठे तो कास्ट मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हुआ है, ये पॉइंट दिख रहा है ना, मतलब जो देख के पता चलेगा कि मार्केट ने यहाँ से ट्रेंड चेंज किया होगा वो पॉइंट डालना है। हाँ अभी आप अगर एस बैंक अगर पूरा डेली बेसिस पे देखेंगे तो पता चला कि तीन चार महीने से नीचे ही आ रहा है, ठीक है, लेकिन आपको करंट फेज निकालना है, बीच में पुल बैक तो आने वाला है ना मार्केट में, ऐसा तो होगा ही नहीं कि पुल बैक नहीं आएगा, तो पुल बैक आके वापस मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है, तो वो जो पुल बैक पॉइंट है वो 10 नंबर पे डालेंगे हम, वो डाल दो, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन इसमें क्या एक चांस रहता है, जैसे मैंने जैसे 15 मिनट बोल दिया आप यहाँ पे बैठे हो, तो कोई क्या करेगा ये हाई ले लेगा, ये नहीं चाहिए मुझे, मुझे क्या चाहिए कि जो आप उठा रहे हो डेली हाई है तो डेली लो होना चाहिए। अभी इस दिन का देखो ये हाई तो बना है, यहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर आया था वापस नीचे आया, लेकिन इससे भी ऊपर ये वाला बना हुआ है। हमें एक्यूरेसी चाहिए तो क्या करना है कि जो भी स्विंग पॉइंट आप उठाओगे पुल बैक पॉइंट वो डे का हाई है तो डे का लो बनना चाहिए, मतलब फिर आपकी इसमें कन्फ्यूजन ना सर ये लेना है कि ये लेना, कौन सा लोगे फिर? अभी जो आपने उठाया वो डे का हाई है तो डे का लो भी होना चाहिए, मतलब उसका इक्वल हो जाए तो बात खत्म हो जाएगा, समझ में आ रहा है ये पॉइंट? हाँ उसमें ही मिल जाएगा, एक्सेल शीट में ही मिल जाएगा, कोई जरूरत नहीं चार्ट पे जाने की, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको वही से पता, सपोज ऐसे सोचो कि आज से मार्केट रोज एक दो तीन दिन ऊपर ऊपर क्लोज हुआ, ठीक है, और आज तीन दिन से ऊपर क्लोज 5-10 पॉइंट जो भी ऊपर ऊपर क्लोज आ रहा है और आज का क्लोजिंग नीचे आ गया, तो क्या होगा? या तो आज का है या तो कल का है, दोनों में से जो सबसे ऊपर रहेगा वो आपको स्विंग हाई डालना है, बात खत्म, ओके। और तीन दिन से रोज क्लोजिंग ऊपर आ रहा है, मतलब जो तीन दिन पहले जो लो था वो आपको ने तीन दिन यूज करना है और कुछ करना ही नहीं है, पॉइंट समझ में आ रहा है? ये समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर समझ में नहीं भी आ रहा है तो चार्ट ओपन करेंगे, चार्ट से समझ में आ जाएगा, समझ में आ रहा है ये पॉइंट? या तो आप एक्सेल शीट देख के ही पता कर लेंगे कि भाई तीन दिन से रोज क्लोजिंग ऊपर आ रहा है, आज का क्लोजिंग नीचे आया, तो या तो आज का है या तो कल का है, जो सब दोनों में से जो सबसे ऊपर आएगा वो मुझे 10 नंबर पे डालना है, इससे ज्यादा और कुछ दिमाग लगाना, क्लियर ये पॉइंट सबको? कंपेरिजन करें, हाँ हाँ सेम हुआ तो पिछले दिन का कंपेयर कर लेंगे, कभी ऐसा, हाँ कभी ऐसा हुआ सपोज दैट कि ऐसा सोचो कि 9 और 10 का सेम हो गया, ठीक है, कभी ऐसा हो जाएगा, कभी हो सकता है ऐसा, तो क्या करना है कि उसके पिछले दिन हमने क्या यूज किया था, हाई यूज किया था कि लो यूज किया था, वो देख लेंगे, मतलब 08 और 9 का कंपैरिजन कर लो आप थोड़े टाइम के लिए, सपोज दैट कि भाई 9 नंबर का क्लोजिंग 8 से ऊपर ही है, तो अगर सपोज जैसे अभी हम 29 के वेट के 30 के लिए निकाल रहे हो, ठीक है, लो ले लिया ऐसा जो कि 29 और 30 का क्लोजिंग सेम आ गया, ठीक है, तो 29 को आप यूज क्या करो, हाई यूज करो ना, तो 30 को भी हाई यूज करेंगे, क्योंकि ट्रेंड तो चेंज हुआ ही नहीं अपने लिए थोड़े टाइम के लिए, समझ में आ रहा है? अगर ऐसा सिचुएशन आ भी गया तो आता है बहुत जगह पे आता है ऐसा, कभी कभी आता है, या तो कम्युनिटी में जाएंगे तो क्रूड ऑयल में ऐसे बहुत बार हो जाता है, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कम्युनिटी में क्रूड ऑयल में कभी कभी ऐसा सेम प्राइस आ जाता है, ठीक है, अगर आ भी गया तो कुछ नहीं, पिछले दिन जो हुआ है वही यूज कर लेंगे, वही लेना, वो देखो मार्केट डे में क्या कर रहा है वो हमें देखना ही नहीं यहाँ पे स्विंग लेने के लिए, क्योंकि उसको बाद में बफरिंग फैक्टर होगा सब कुछ जब हम करेंगे उसमें वो एडजस्ट होने वाला है, क्योंकि जब आप ये करोगे सपोज दैट कि आपको पता है कि 9 और 10 का सेम हो गया है, मार्केट ऊपर नीचे कुछ ना कुछ करेगा ही, हम 9 और 8 और 9 का कंपेरिजन करके पता चलेगा कि भाई स्विंग लो लेना है, तो कौन सा लेंगे, जो पिछले दिन लगा वही लेना है, अभी उसमें तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, वो आ जाएगा और फिर आगे का प्रोसेस चेंज हो जाएगा, बफरिंग फैक्टर चेंज होगा उसका अकॉर्डिंग, जो आपको वोलेटिलिटी बोल रहे हैं ना, तो 10 दिन का डेटा तो चेंज होने वाला है ना हाई लो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसका बीएफ चेंज होगा, बाकी सब चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है यहां तक अभी आपको? सोचो मार्केट 8 और 9 का चेंज करना है,
उसमें चेंज नहीं करना है, दस नंबर पे ही डालना है चेंज। हाँ ऐसा सोचो ना कि वो इतना कंफ्यूज करो ही मत, सब 9 और 10 का सेम है, ठीक है? तो ऐसा सोचो कि आप 10 नंबर को 8 नंबर से क्लो कंपेयर करो, बात करते हो। तो दोनों में से जो ऊपर है वही ले लो ना। हाँ फिर सपोज ऐसा हो गया, सपोज कि आठ, जब हम 9 तारीख को 9 को बैठे थे तो 8 का एक था, लेकिन दूसरे दिन क्या किया, 8 का लो भी ब्रेक कर दिया मार्केट ने, लेकिन क्लोजिंग सेम आ गया, तो जो लो ब्रेक हुआ है वो उठा लेंगे, जो सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर आएगा वो लेना है हमसे, ठीक है? ओके क्लियर है यहाँ तक सबको? ओके अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, जैसे हमने यहाँ पे ये देख लिया, एस बैंक का समझ में आ गया? ऐसा होगा ही नहीं, कोई भी स्टॉक उठा लो 2-4 दिन में मिल ही जाएगा आपको, ठीक है? मतलब कितना भी वन साइड मार्केट हो जाए तो एटलीस्ट इनसाइडर तो भी बनाता है नीचे एक दिन के लिए, वापस अगले दिन से ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा, तो वो बीच में नीचे आया तो उस दिन हाई ले लेंगे, दूसरे दिन ऊपर आएगा तो ले लेंगे, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है? पर ऐसा 65.15 हाँ क्या हो रहा है, क्या लेना है ऐसा, क्या फिगर आया है? एक मिनट देख रहे, कौन सा अभी कल के लिए चाहिए, मंडे के लिए चाहिए क्या? अभी 29 को बैठ के बोल रहे क्या? 29 को बैठ के हमने पीछे सपोज 30th को निकालना है, 30 तारीख का ट्रेड निकाला, अभी हमें नहीं पता था, तो ठीक है हम यहाँ पे बैठे 65.15 तो अब यहाँ पे बैठे, तो क्या हुआ मार्केट रोज ये यहाँ पे भी नीचे, यहाँ पे भी नीचे, देखो यहाँ पे क्लोज इससे ऊपर था, ये फर्स्ट डे की मार्केट ने नीचे आना स्टार्ट किया, मतलब क्या लेना, ये वाला ले लेंगे, क्या है वो 65.35 आ रहा है, 35 आ रहा है, ठीक है? हाँ जो भी हाई रहेगा, मतलब 27 तारीख का जो हाई रहेगा वो ले लेंगे, बात खत्म। कभी कभी ऐसा होता है, देखो आप चार्ट पे देखते हो कि 65.35 दिख रहा है, लेकिन एनएससी पे जब देखोगे तो शायद कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि 65.70 दिख रहा है, फिर आप कंफ्यूज हो जाएगा सर कौन सा लेना है, कौन सा सही है, जो एनएससी पे आ रहा है वही कभी कभी यहाँ पे प्लॉटिंग में नहीं आएगा शायद, ऐसा हो सकता है। तो चार्ट से अगर एनएससी में अगर 2-5 पैसा ऊपर नीचे तो जो हाई दिख रहा है ना 27 का वो ले लेना है, बात करता हूँ, क्लियर है? तो वो ऊपर का ले लेते ना, कुछ नहीं, यहाँ पे जब आप बैठे हो तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि भाई कहाँ से गिरना स्टार्ट किया है इसने, से एग्जाम्पल आप यहाँ पे बैठे हो, ठीक है? तो अभी आप कौन सा यूज करोगे, जैसे सपोज 29 को आपने लिया 27 का, अज्यूम कर लो कि आप 29 को आ गए, वो वापस कौन सा लेंगे 20 से, वही आएगा, ठीक है? 28 को भी वही लेना है, 29 को भी वही लेना है, अभी यहाँ पे सपोज अज्यूम करो कि ये 30 तारीख को क्लोजिंग ऊपर आया, लेकिन सपोज 30 को भी क्लोजिंग अगर नीचे आता तो क्या लेता, 27 का ही लेता, मतलब उसको चेंज करने की जरूरत नहीं बार बार, जिस दिन क्लोजिंग रिवर्स होगा ना उसी दिन नया सोचना है। अगर 3 दिन से रोज क्लोजिंग नीचे आया हुआ है तो वही स्विंग मुझे रिपीट करते चलना है। देखो आप में ग्रुप में भी देखेंगे आप शायद पता चलेगा, तो वही चलता है, अगर क्लोजिंग रिवर्स होता है तो फिर मेरा स्विंग चेंज होता है, तब तक स्विंग चेंज होने वाला नहीं है। सेम सपोजर ये है ऊपर के लिए, अभी देखो कि 30 तारीख को मंडे के लिए देखते हैं कि क्लोजिंग क्या है, ऊपर है कि नीचे है, ऊपर आ गया, इसलिए अभी मैं स्विंग चेंज करने वाला हूँ, अदरवाइज अगर नीचे ही रहता तो 27 का ही लेता, अभी पता ऊपर है कौन सा लूंगा। अभी इसमें ऑप्शन देखो क्या होगा कि सेम डे का लो हो सकता है या तो पिछले दिन का लो हो सकता है, दोनों में से जो सबसे नीचे रहेगा वो ले लेना है, ठीक है? कौन सा है ये 29 का नीचे का जो सबसे, अभी ये लेंगे कुछ नहीं है, जो सबसे नीचे का 29 का जो लो रहेगा वो लेके कॉपी करके डाल देना है। समझ में आ गया सबको, स्विंग क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं अभी तक स्विंग में, ठीक है? ओके और कुछ, हाँ जो भी है 55 समझ में एक्सेल शीट में मिलेगा ही ना, मैं वही बोल रहा हूँ कि जरूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ पे देखने की, लेकिन कभी कभी नया नया जब लगता है सर वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उसको अगर कंपैरिजन बता रहूंगा तो वो शायद पता नहीं चलेगा, लेकिन देखेंगे तो पता चलता है तुरंत, अरे ये ऊपर है तो लो लेना है, नीचे है तो क्या करना है, हाई लेना है। अभी ये जब 3 दिन से नीचे आ रहा था लेकिन हम रिपीटली वो 27 का ही स्विंग हाई स्विंग रोज यूज कर रहे थे, क्लियर है पॉइंट सबको? एक्सेल शीट का किसका, एस बैंक का, उसके लिए सिर्फ जैसे अभी हमने एल एन टी का लिया था
वैसे हमने एस बैंक का ये ले लिया और गेट डेटा कर दिया, ठीक है। यहाँ तक का फाइल यहाँ पे और इस पर डाउनलोड करके दिख रहा है बटन, इसको सिर्फ गेट डेटा कर देना है। अभी क्या करना है, जैसे हमने चार्ट पे तो समझ लिया है, ओके अज्यूम करो, हाँ अज्यूम करो कि ये क्लोजिंग देखना है, पहले तो क्लोजिंग पे ही फोकस करेंगे। हाँ चलो ठीक है, यहाँ पे 29 को बैठे, क्लोजिंग क्या है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 29 से पीछे लोगे तो ये 10 नंबर पे आएगा या 9 नंबर पे आएगा, क्लोजिंग कंपैरिजन करो, नीचे की ऊपर है नीचे ही। तो अभी हमें स्विंग हाई लेना, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अभी इसको क्या देखना है कि भाई कब से मार्केट नीचे नीचे क्लोज करा है। देखो इसका क्लोजिंग देखो, इसको नीचे ही आया हुआ है। अभी यहाँ पे ये क्लोजिंग कितना है 62.9 और यहाँ पे क्लोजिंग कितना आ गया ऊपर, मतलब यहाँ पे क्लोजिंग ऊपर था, ठीक है। मतलब यहाँ पे चेंज हुआ है देखो अगले दिन, मतलब यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग ऊपर कर रहा था, यहाँ पे क्लोजिंग ने मार्केट नीचे किया, मतलब इससे पीछे देखो 59 का 62 था फिर 64 था और यहाँ पे नीचे आ गया। मतलब अभी मुझे समझ में आया कि यहाँ पे ये या तो ये दोनों में से जो स्विंग हाई रहेगा इनका इनका ये या तो ये ही है, ये दोनों में से जो भी ऊपर का पॉइंट रहेगा वो मुझे 10 नंबर पे डालना है, बात खत्म। क्लियर समझ में आया, मतलब जहाँ पे क्लोजिंग रिवर्स हुआ वो दिन या तो इसके पिछले के दिन, दोनों में से जो हाई रहेगा वो हाई 10 नंबर पे डाल देना है और कुछ करना। सेम चीज सपोज यहाँ पे हम लेटेस्ट में देखते हैं, मतलब यहाँ पे पता चलेगा ये वाला डालना है, ठीक है। सेम चीज सपोज हम यहाँ पे आए कि यहाँ से कंटिन्यू 64 के बाद मार्केट ने 59 क्लोजिंग किया नीचे, तो स्विंग हाई वही रहेगा, उसमें चेंज होने वाला नहीं, वापस नीचे किया वही रहेगा, सिर्फ अपना 10 दिन का डेटा एक एक ऊपर चलते जाएगा और कुछ होने वाला नहीं। अभी यहाँ पे हमें वापस हम 30 तारीख को बैठेंगे, अभी क्या होगा कि भाई 3 दिन से रोज नीचे नीचे क्लोज कर रहा था, हम सेम स्विंग यूज कर रहे थे, अभी क्लोजिंग आ गया ऊपर। अभी एक्सेल शीट से देखना है, सिंपल सी चीज है, या तो कल का लो या तो आज का लो, ये दोनों में से जो भी लेटेस्ट नीचे रहेगा वो पॉइंट मुझे 10 नंबर पे डाल देना है, समझ में आ गया। अभी देखते हैं लो कौन सा नीचे है, इसका या तो इसका है, दोनों में से कौन सा है, ये देखो ये 55 है और ये 55.50 है। कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट पिछले दिन का लो उसके बाद ऊपर ऊपर जाता है, या तो यहाँ पे मार्केट क्या करता 54.50 करता, तो मैं 54.50 ले लेता, दोनों में से जो नीचे है वो डाल दूंगा 10 नंबर पे। पॉइंट क्लियर, अभी कोई कंफ्यूजन नहीं, ओके।